नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर चर्चा करेंगे राहुल गांधी के ऊपर फिर से आने वाले कोर्ट के उस फैसले के बारे में जिसका इंतजार राहुल गांधी अभी बेसब्री से कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से जो पासपोर्ट का एक मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें उन्होंने 10 साल की सजा, यहाँ पर 10 साल के पासपोर्ट को रिन्यू कराने का जो उन्होंने अपनी तरफ से मंतव्य रखा था, उसके ऊपर अभी तक कोर्ट का जो फैसला है वो लंबित है, अभी तक आया नहीं है कोर्ट का फैसला। लेकिन अब कोर्ट के फैसले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हो रहा है, जो आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राहुल गांधी को नया पासपोर्ट दिए जाने के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। स्वामी ने अदालत से कहा कि राहुल गांधी ने 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट दिए जाने की मांग की है, राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। राहुल के वकील तरन्नुम चीमा ने कोर्ट से कहा कि ज़्यादा गंभीर आरोपों को 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया, इसमें 2G जैसे मामलों के आरोपी भी शामिल हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि वो दोपहर 1 बजे इस मामले पर फैसला सुनाएगी। मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया और कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी किए जाने का क्या कारण है, केवल 1 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। यहाँ पर स्वामी ने कहा कि राहुल ने 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट की मांग की है, ये मैक्सिमम है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल केस है। पासपोर्ट कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राहुल के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट मांगने की कोई जायज़ वजह भी नहीं है, केवल 1 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना चाहिए और इसके बाद इसका रिव्यू होना चाहिए। हाल ही में ब्रिटेन गया था, वहाँ एक अधिकारी ने मुझे बताया कि राहुल गांधी खुद को ब्रिटिश सिटीज़न घोषित कर चुके हैं, भारतीय कानूनों के मुताबिक उनकी भारतीय नागरिकता सीधे ख़त्म हो जानी चाहिए। यहाँ पर अच्छा, स्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पासपोर्ट ना दिया जाए, बस वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पासपोर्ट 1 साल के लिए दिया जाना चाहिए। 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना रूटीन व्यवस्था है, नागरिकता को लेकर परेशानी का कोई मसला नहीं है, ये कहना है राहुल गांधी के एडवोकेट का। ज़्यादा गंभीर आरोपों वालों को 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाता है, इसमें 2G जैसे मामले भी शामिल हैं। मानहानि केस में जमानत देते वक्त ये शर्त नहीं रखी गई थी कि विदेश जाने से पहले राहुल को कोर्ट को सूचना देना होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्ट में जो है ये पूरा मामला जा चुका है, फैसले को लेकर के सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। कोर्ट की तरफ से आए अब इस फैसले को लेकर के अब आप लोग का क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।